देश प्रदेश की दिन भर की खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं मेलवी वेब सर्विसेज की मदद से ले जाइए अपने बिजनेस को एक नई ऊंचाई पर। बनवाइए हर तरह की वेबसाइट, मोबाइल ऐप और हर तरह की वेब सर्विसेज अपने बिजनेस के लिए। नमस्कार, मैं हूं महिमा सक्सेना। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश खबरें दिन भर। जियो और एयरटेल को टक्कर देने मैदान में उतरे गौतम अडानी, मिला टेलीकॉम लाइसेंस। अडानी डेटा नेटवर्क्स लिमिटेड को आखिरकार दूरसंचार सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक एकीकृत लाइसेंस मिल गया। ये लाइसेंस मिलने के बाद अडानी डाटा नेटवर्क देश में अपनी दूरसंचार सेवाएं पूरी तरह से मुहैया करा सकता है। चुनाव आयोग ने किया साफ, शिवसेना के शिंदे गुट को मिला ये चुनाव चिन्ह। चुनाव आयोग ने मंगलवार को शिवसेना के एकनाथ शिंदे धड़े को आवंटित किया। शिंदे गुट को अब बाला साहेब बांची शिवसेना नाम दिया गया है। यह दल अगर अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट के लिए 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में उतरने का फैसला करता है तो वह 2 तलवार और 1 ढाल चुनाव चिन्ह का उपयोग कर सकता है। जल्द ही दूसरे देशों में भी UPI और रुपए कार्ड से कर सकेंगे पेमेंट। वित्त मंत्री बोली, कई देशों से चल रही बातचीत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रुपए कार्ड की स्वीकृति के विस्तार के लिए कई देशों से बातचीत चल रही है। 2016 की नोटबंदी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा लक्ष्मण रेखा से वाकिफ हैं लेकिन जांच जरूर होगी। नोटबंदी की जांच करेगा सुप्रीम कोर्ट। केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2016 में की गई नोटबंदी के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गई है। ICC T20 विश्व कप में बुमराह और दीपक बाहर, 3 तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया से जुड़ेंगे। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर जल्द ही ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम से जुड़ेंगे, जबकि दीपक चहर पीठ की चोट के कारण आगामी T20 विश्व कप से बाहर हो गए हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे को लगाई फटकार, यात्रियों के लिए सप्लाई किए जा रहे पेयजल पर मांगी नई स्टेटस रिपोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे को यात्रियों को कथित तौर पर दूषित पेयजल की आपूर्ति और क्लोरीनेशन संयंत्र लगाने के ठेके देने में हेराफेरी करने के मामले में फटकार लगाई है। ज्ञान वापी में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक की मांग पर सुनवाई अब कल, मस्जिद कमेटी ने पेश की दलीलें। ज्ञान वापी में मुसलमानों के प्रवेश पर रोक और मस्जिद हटाकर जमीन का कब्जा देने को लेकर दाखिल वाद की पोषणीयता के मुद्दे पर बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत में अभी दलील जारी है। सुनवाई को जारी रखते हुए अदालत ने गुरुवार को तिथि नियत कर दी है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप 10+2 कर चुके हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करें तो तकनीकी एवं मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में एवं करियर काउंसलिंग के लिए संपर्क करें करियर मेकर से। यामहा मंदिर ऑटोमोबाइल, पता काला पाठा बैतूल। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर SC का केंद्र को नोटिस, 2 हफ्ते में मांगा जवाब। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पूजा स्थल अधिनियम 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच का जवाब देने के लिए केंद्र को 2 सप्ताह का समय देते हुए 31 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। भोपाल पहुंचे मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस से PM फेस के सवाल पर खुद को बताया बलि का बकरा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अध्यक्ष पद के प्रत्याशी मल्लिकार्जुन खड़गे भोपाल पहुंचे और यहां पर नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात का समर्थन की अपील की। इस दौरान उन्होंने BJP पर जमकर निशाना साधा। जब उनसे PM पद का चेहरा बनने का सवाल पूछा गया तो उन्होंने खुद को बलि का बकरा बता दिया। MP में अतिथि शिक्षक हुए लामबंद, हजारों की संख्या में एक दिवसीय प्रदर्शन के लिए पहुंचे भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक बार फिर अतिथि शिक्षकों का सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। दरअसल अतिथि शिक्षक कई साल से नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। भोपाल गैस त्रासदी अतिरिक्त मुआवजे की सही राशि का दावा करेगी सरकार। सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 10 जनवरी को होगी। भोपाल गैस त्रासदी के 36 साल बीत जाने के बाद भी पीड़ितों को अभी तक उसका संपूर्ण मुआवजा नहीं मिला है। इसकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में अभी भी जारी है। अब सरकार की ओर से पीड़ितों को यह भरोसा दिलाया गया है कि हादसे में हुए वास्तविक नुकसान को ध्यान में रखते हुए वे अतिरिक्त मुआवजे की सही राशि का दावा करेगी। UPATS की गिरफ्त में आए 8 आतंकियों ने किए कई बड़े खुलासे। गजवा आए हिंद के लिए बढ़ा रहे थे अपना नेटवर्क। उत्तर प्रदेश ATS द्वारा हाल ही में गिरफ्तार किए गए 8 आतंकियों ने कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने भारत के खिलाफ रची जा रही साजिश के बारे में खुलासा किया। आमिर खान का निजी विज्ञापन देखकर भड़के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, बोले ऐसा करने की किसी को इजाजत नहीं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने एक बार फिर आमिर खान को नसीहत दी है। दरअसल आमिर खान एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। आमिर खान एक निजी विज्ञापन में शादी होने के बाद दुल्हन के प्रवेश करने के उलट घर जमाई के रूप में ससुराल में गृह प्रवेश करते नजर आ रहे हैं। मानसून अब विदाई की ओर, 1 सप्ताह के बाद सर्दी का दौर शुरू होगा, मौसम विभाग ने दी जानकारी। MP में हाल ही में दिनों में मौसम के कई बार बदलाव हुए, हालांकि अगले 4 दिन में प्रदेश से मानसून की विदाई का सिलसिला शुरू होने लगेगा।
लेकिन इस बीच कुछ जिलों और संभागों में बारिश के साथ ही वज्रपात की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंडियन कॉफी हाउस न्यू मार्केट भोपाल एंड जबलपुर, हेल्थी क्रिएशन पता न्यू मार्केट भोपाल। भोपाल में कांग्रेस का सम्मेलन बुलाकर कमलनाथ ने बताया विधानसभा की टिकट के लिए है पैरामीटर। मध्य प्रदेश मिशन 2023 की तैयारी में जुटी कांग्रेस ने भोपाल में नगरीय निकाय के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाकर साफ कर दिया है कि विधानसभा चुनाव के टिकट के दावेदारी का पिछले एक साल का पूरा रिकॉर्ड देखा जाएगा। मोदी सरकार का रेलवे कर्मचारियों को तोहफा, 11.27 लाख लोगों को मिलेगा दिवाली बोनस। सरकार ने दिवाली से पहले रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। दिवाली तोहफे के तौर पर कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस मिलेगा। कर्मचारियों को बोनस के तौर पर 78 दिनों की सैलरी मिलेगी। मध्य प्रदेश पुलिस ने हैंडपंप चलाया तो उसमें से पानी की जगह निकली शराब। पुलिस ने गुना जिले के 2 गांव में छापेमारी की। पुलिस ने मौके पर मिले हैंडपंप को चालू किया तो उनमें से शराब निकलने लगी। इसके नीचे खुदाई करने पर अवैध शराब से भरे टैंकर निकले। ये टैंक करीब 7 फीट गहरे थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया। हिंदी फॉर हिंदुस्तान पर भड़की सीपीआई सांसद, पीएम मोदी को लिखा पत्र, बोले ये आईडिया ऑफ इंडिया के लिए खतरनाक है। राजभाषाओं पर संसद की समिति की 11वीं रिपोर्ट पर सीपीआई सांसद विनय विश्रम ने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट में की गई सिफारिश खतरनाक है। बिहार पुलिस की बर्निंग बस बाइक को मारी टक्कर, फिर 100 मीटर घसीटा, 3 की मौत। बिहार के छपरा सवीना हाईवे पर बुधवार की सुबह एक बस दुर्घटना के बाद बर्निंग बस बन गई। गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम से पुलिसकर्मियों को लेकर लौट रही इस बस की एक बाइक से टक्कर हो गई थी। दुबई के आसमानों में उड़ी चाइनीज फ्लाइंग टैक्सी, जल्द हवाई कार का सपना होगा पूरा। अब तक हम सब ने सड़क पर दौड़ने वाली कार देखी हैं। आसमान में कार लेकर उड़ने का हम सब ने सिर्फ सपना देखा है, लेकिन अब आने वाले समय में जल्द ही ये सपना पूरा होने वाला है। शिखर धवन का बॉलीवुड में डेब्यू, XXL फिल्म में आएंगे नजर। टीम इंडिया के स्टार ओपनर गब्बर के नाम से मशहूर शिखर धवन अब अपनी नई पारी शुरू करने की तैयारी में है। शिखर धवन जल्द ही बॉलीवुड में सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी के साथ दिखाई देंगे। शिखर धवन की इस फिल्म का नाम XXL है और यह है कॉमेडी ड्रामा होगी। जाइएगा नहीं, लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कलश स्वीट्स, D67 सुंदर नगर, अशोका गार्डन भोपाल। पलक इलेक्ट्रॉनिक्स, पता स्टेशन रोड, अशोका गार्डन भोपाल। बड़े पर्दे पर दिखेगा ICC T20 वर्ल्ड कप का रोमांच। INOX के सिनेमा घरों में दिखाए जाएंगे भारत के सभी मैच। देश भर में अपनी सभी सिनेमा घरों में T20 वर्ल्ड कप के भारत के मैच दिखाएगा। INOX ने इसके लिए ICC के साथ एक समझौता किया है। केरल में कर से निपटने के लिए दंपति ने किया काला जादू का सहारा। 2 महिलाओं की हत्या कर शव को टुकड़ों में दफनाया। केरल में 2 महिलाओं की सनसनीखेज हत्या का मामला सामने आया है। मामला में पुलिस ने भगवंत सिंह और उनकी पत्नी लैला को गिरफ्तार किया है। शुरुआत जांच के जानकारी के अनुसार दंपति कर्ज से परेशान था। IMF ने फिर घटाया भारत के आर्थिक ग्रोथ का अनुमान। फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6.8 रह सकती है देश की GDP। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने मौजूदा वित्त वर्ष में भारत के आर्थिक ग्रोथ के अपने अनुमान को एक बार फिर घटा दिया है। IMF ने 0.60% की कटौती करते हुए वित्त वर्ष 2023 में भारत की GDP ग्रोथ के 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। रूस ने फेसबुक वाली कंपनी मेटा को आतंकी और चरमपंथी गुटों की लिस्ट में किए शामिल। यूक्रेन से जारी युद्ध के बीच दिग्गज अमेरिका कंपनी मेटा पर रूस की कार्रवाई। मेटा को रूस ने आतंकी और चरमपंथी गुटों की लिस्ट में शामिल किया। मार्क जुकरबर्ग को इसी साल उस लिस्ट में भी जोड़ा गया था जिसके रूस में आने का प्रतिबंध है। इन्फोसिस के प्रेसिडेंट रवि कुमार एस ने अपने पद से दिया इस्तीफा। इन्फोसिस के प्रेसिडेंट रवि कुमार ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। कंपनी ने 11 अक्टूबर को स्टॉक एक्सचेंज में इसकी जानकारी दी। पार्किंग में भी फास्टैग सिस्टम, इंदौर से शुरू हुई नई पहल। मध्य प्रदेश में पहली बार फास्टैग से अब पार्किंग शुल्क कट सकेगा। जहां प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर से इस नई पहल की शुरुआत हुई है। सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में पहलवान सुशील कुमार समेत 18 लोगों पर आरोप तय। इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। दरअसल दिल्ली की एक अदालत ने जूनियर पहलवान सागर धनखड़ हत्या मामले में ओलंपिक सुशील कुमार और 17 अन्य के खिलाफ कई धाराओं के तहत आरोप तय किया है। दिलवाल हीरो शोरूम बैतूल, बेमिसाल माइलेज, बेजोड़ मजबूती, हीरो कंपनी के मॉडल आसान किस्तों पर उपलब्ध। सोनालिका ट्रैक्टर, नई सिकंदर सीरीज का आविष्कार, सबसे कम डीजल में सबसे ज्यादा ताकत और रफ्तार। आज के लिए बस इतना ही, कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।